तो ये देखिए, ये मैं मज़ेदार सी रबड़ी फुल चिल्ड करके हमने इसको ठंडा कर लिया है। और ये अस्सलाम वालेकुम, तो आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट खीर रबड़ी, जो मर्जी इसको कहें, लेकिन मैं बना रही हूँ इंस्टेंट रबड़ी। तो इसके अंदर जाएगा 2 लीटर दूध, इसमें से हमने हाफ कप निकाल लेना है और इसको बॉयल करना है। दूध हो रहा है बॉयल, तो यहाँ पे मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ लिए मैंने 2 स्लाइसेस, इसको मैंने किनारे काट के इसको मैंने चॉप कर लेना है। नट्स हैं, आलमंड्स हैं मेरे पास, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। यहाँ पे है 1 कप भर के चीनी, देखते हैं कितनी डलती है, और साथ में 1 टीस्पून है इलायची पाउडर, वनीला सेंस। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप जो दूध में से निकाला है, जो हमारा बॉयल हो रहा है उसके अंदर मैंने कलर डाल दिया लाइट सा, ताकि येलो कलर आ जाए। तो अब मैं कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। कॉर्नफ्लोर को इसके अंदर मिक्स करने के बाद मैं अब इसकी करती हूँ स्लाइसेस, इनको अच्छी तरह हम करेंगे चॉप। बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर ये सारा चॉप किया हुआ जो ब्रेड का था चूरा वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और 2-4 उबाले आएंगे तो इसके अंदर हम बाकी स्टेप्स डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर ये इलायची और चीनी डाल दूंगी, इलायची पाउडर और थोड़े से नट्स भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको 4 उबाले आएंगे तो हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे और साथ में इसको सर्व कर देंगे। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप दूध, जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर ही मैंने डाल दिया था कलर भी, और 1/2 टीस्पून के हिसाब से वनीला एसेंस, तो वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आराम आराम से और उसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए कलर इसका कितना प्यारा येलो सा आ गया, शायद भी आपको नज़र ना आ रहा हो लाइट की वजह से। अच्छा, इसकी कंटेंसिटी जो है अभी बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुई, ऐसे हुई है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून दही, घर का दही, बस 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, जिससे इसके अंदर दानेदार सा आ जाएगा टेक्सचर। ये देखिए जी, और इसको करेंगे मिक्स, आस्ता आस्ता इसको मिक्स करेंगे। दही डालने से इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो कुछ थोड़ी सी थिक हो गई है और थोड़ा थोड़ा ये दानेदार भी हो गया है। तो इसको अब 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल नॉर्मल आँच पे पकने देंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं मज़ेदार सी रबड़ी फुल चिल्ड करके हमने इसको ठंडा कर लिया है और ये रेडी हो चुकी है। तो इसकी आप थिकनेस भी देख सकते हैं, वाह। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।